संचिक कान्योर ग्रीन चिक कान्योर की म्यूटेशन है। सब्ज गाल वाले कान्योर के वृक्ष जो कि उसके छाती और दुम पर सुर्ख नीले और पीले रंग के साथ तकरीबन मुकम्मल तौर पर सबज है। संचिक कान्योर मुकम्मल तौर पर सुर्ख और पीले रंग के पंखों से नुमाया है जो इसे ग्रुभे आफ्ताब की शक्ल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बात होगी इस नायाब परिंदे के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का तायुन कर सकेंगे कि आप संचिक कान्योर को पालतू परिंदे के तौर पर रखना चाहते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ संचिक की कलर म्यूटेशंस, इनकी खुराक, अफजाइश नस्ल के बारे में मालूमात, और इसके साथ ही साथ बात होगी कि किस तरह से इनकी देखभाल की जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो मजीद वक्त जाए के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबज गाल वाला कान्योर तोते की एक छोटी नस्ल है जिसकी असल जनूबी अमरीका है। जंगल में ये आमतौर पर ब्राजील, बोलीविया और अर्जेंटाइन में पाए जाते हैं। संचिक कान्योर ताहम इस नस्ल का म्यूटेशन है जो कि जंगल में नहीं पाया जा सकता। इसे स्टीव गारोन नामी शख्स ने अमरीका में तैयार किया था। कलर म्यूटेशन एक ऐसा परिंदा है जिसकी रंगत उससे मुख्तलिफ होती है जो कि आपको कुदरती तौर पर मिलेगी। अगरचे ये नुमाया तौर पर मुख्तलिफ नजर आते हैं, संचिक कान्योर कोई हाइब्रिड प्रजाति या ग्रीनचिक कान्योर से अलग नस्ल नहीं है। ग्रीनचिक कान्योर ज्यादातर सब्ज रंग के, जबकि संचिक कान्योर मुकम्मल तौर पर सुर्ख और पीले पंखों से ढके हुए होते हैं। संचिक कान्योर के सुर्ख निशानात का मुकाम परिंदों से मुख्तलिफ होता है। कुछ संचिक परिंदों में सुर्ख रंग का प्लम्ज होता है जो इनके चेहरों से शुरू होता है और पेट पे नीचे तक चलता है। इन परिंदों को सुर्ख चेहरे वाले के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे परिंदों का सर बुनियादी तौर पर पीले रंग का होता है और इनके सुर्ख पंखों की अक्सरियत इनके पेटों और दुमों के नीचे होती है। सरों के ऊपरी हिस्से हल्के पीले रंग के होते हैं। संचिक कान्योर ग्रीनचिक कान्योर का एक इंतहाई नायाब और खूबसूरत तगैयर है जिसे स्टीव ने तैयार किया था। ये पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है। ग्रीनचिक कान्योर की तरह संचिक भी नाकाबले यकीन हद तक चंचल और प्यारी शख्सियत के लिए जाना जाता है। चमकदार पीला और सुर्ख रंग होता है जिसकी वजह से इसे किसी भी दूसरे परिंदे से नुमाया किया जा सकता है। बहुत से ममालिक में पालतू जानवरों के मालकान, पालतू जानवरों की दुकानें और पालने वाले संचिक म्यूटेशन उठाने के लिए बेताब हैं, जो दरअसल एक परिंदे में सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन है। ये जन्स से मुंसलिक तब्दीली है, इसलिए नस्ल देने वालों को विजुअल मादा को विजुअल नर या स्प्लिट नर के साथ जोड़ना होता है, जिसे अफजाइश नस्ल और इसके साथ काम करने के लिए एक दिलचस्प परिंदा बनाता है और जोड़ा एहतियात से बनाना चाहिए। संचिक की खूबसूरती हैरत कुन है और इस परिंदे में सुर्ख और पीले रंग का चमकदार इम्तजाज हैरत अंगेज है, लेकिन ये सामने और चेहरे पर सुर्ख रंग है जिसकी सबसे ज्यादा मांग है। बिलाशुबा सुर्ख रंग नौ उम्रों में सबसे गहरा होता है और मॉल्टिंग के बाद थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, लेकिन गायब नहीं होता। संचिक कान्योर खेल के वक्त पिंजरे से बाहर रहना पसंद करते हैं। ये अपने मालिक की तवज्जो का लुत्फ उठाएंगे। ये ऐसा परिंदा नहीं है जिसे तनहा छोड़ दिया जाए तो ये लुत्फ अंदोज हो। मालकान परिंदों पर तवज्जो देंगे तो अपने पालतू जानवर के म्यार को नहीं खोएगा। चूंकि ये एरिटंगा फैमिली में से है तो इसे झेंडे, नंदे और नीले ताज वाले या किसी और अरटेंगा के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन अफसाइश के मकासद के लिए नहीं। ये परिंदों को खसूसी तौर पर दोस्त होना चाहिए। कुछ नस्ल देने वाले सेंडे बनाते हैं, लेकिन इसकी सिफारिश नहीं की जाती क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही महदूद जीन पूल को दागदार करती है। एक संचिक कान्योर को गजाइत के लिहाज से मतवाजन तैयारशुदा खुराक के साथ साथ फलों और सब्जियों की जरूरत होती है, तो कान्योर्स को वसी इकसाम की पेशकश की जानी चाहिए। लाफबर एवी केक्स के खाने कान्योर का पसंदीदा बनाते हैं। इसके अलावा न्यूट्री बेरीज, पैलेट बेरीज मतवाजन गजाइत पेश करते हैं और चबाने की जरूरत को पूरा करते हैं। संचिक कान्योर मुनासिब गजाइत, वर्जिश और बाकायदगी से
वेटनरी दौरे के साथ 15 से 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अफजाइश नस्ल करने वाली मादा या पालतू जानवर जो बगैर साथी के अंडे देते हैं, एग बाइंडिंग और कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं, एक छोटे से पिंजरे तक महदूद करने से भी संचिक कान्योर में ज्यादा वजन होने का खतरा होता है। चूंकि संचिक कान्योर निस्बतन नायाब होते हैं, इसलिए अपने मुकामी जानवरों की पनाहगाह में इसे तलाश करना एक चैलेंज हो सकता है। ये परिंदे चंचल मस्करे हैं और अपनी पीठ पर लेटते या रस्सी के खिलौने से लटकते हैं, आसानी से तरबियत याफ्ता भी हैं। लेकिन अगर उकसाया जाए तो काट लेंगे। ताहम आमतौर पर संचिक कान्योर इंतहाई प्यार करने वाला है और एक नरम मालिक के साथ बहुत ही वफादार होगा। संचिक कान्योर ज्यादा बुलंद आवाज वाले नहीं है, लेकिन ये एक आवाज की नूह है। हो सकता है कि संचिक स्कनेरी से ज्यादा शोर करने वाले ना हो, लेकिन ये आवाज का म्यार है जो अहमियत रखता है। तेजी से यके बाद दीगरे आवाजें खारिज होती हैं। जब परिंदा गैर महफूज या तनहा महफूज करे तो मसलसल ऊंची आवाज हो सकती है। संचिक कान्योर मामूली बात करने वाले के तौर पर नहीं जाने जाते, लेकिन कुछ अल्फाज कहना सीख सकते हैं। ये एक साल की उम्र में जंसी पुख्तगी को पहुंच जाते हैं। बहुत से परिंदे पहले ही जंसी तौर पर बालिग हो सकते हैं, लेकिन इनसे एक साल से कम उम्र में ब्रीड लेना अकलमंदी नहीं है। औसतन के लिए 4 से 6 अंडे और इनक्यूबेशन का दौरानिया 24 दिन है, जो 22 से 25 दिन तक मुख्तलिफ हो सकता है। ज़ाहरी शक्ल से गैर मुतय्यन जंसे सब्ज़ गाल वाले कान्योर्स की तरह इनकी अफसाइश करना काफी आसान है। घोंसले के खानों के तूलो अर्ज हैं जो आमतौर पर इन कान्योर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ताहम ये तूलो अर्ज वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये मालिक और परिंदों के तरजीहात से मुतासिर होते हैं। अफजाइश नस्ल परिंदों के तरजीहात भी घोंसला के खाने और किस्म से मुतासिर हो सकती है जिसमें परिंदे को पाला गया हो। अगर वो इस बाक्स को कबूल नहीं कर रहे जो इनको फ्राहम किया गया है, तो फ्लाइट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए साइज और बाक्सेस या लॉक्स के इंतखाब की पेशकश वालिदैन परिंदों को अपनी मर्जी का इंतखाब करने की इजाजत देगी। एक बार जब वो अपना इंतखाब कर लेते हैं तो स्पेयर्स को हटाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है और दूसरे परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कान्योर्स बशमूल संचिक कान्योर्स पंख चुनने का शिकार हो सकते हैं। अगर एक मुकम्मल तिबी मायना पंखों के उखड़ने की तिबी वजूहत को मस्तरद करता है तो बोरियत या मुनासिब जहनी मोहरक की कमी एक वजह हो सकती है। अपने संचिक कान्योर को एक अफसूदा माहौल फराहम करें जिसमें खेलने चारा लगाने के लिए काफी मौका हो। नेस चबाने के लिए महफूज अशिया की बुनियादी फराहमी को यकीनी बनाएं। कान्योर्स बीक और फीदर डिजीजेज के लिए भी हसास हैं, तो एवियन की तरफ से बाकायदगी से सेहत का मायना आपके कान्योर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों के अमल की इब्तदाई तशखीस और इलाज में मदद मिल सकती है। अगर आप संचिक कान्योर तलाश करने पर तैयार हैं तो आपको मुमकिन तौर पर एक ब्रीडर के जरिए तलाश करने की जरूरत होगी। ब्रीडर की तलाश में अपनी तहकीक को यकीनी बनाएं। बहुत से पालने वाले अपने जानवरों के सेहत की फिक्र किए बगैर नायाब परिंदों के बाजार से फायदा उठाते हैं, तो अफजाइश के अमल और अपने परिंदों की सेहत की तारीख के बारे में बहुत से सवाल पूछने से ना घबराएं। इन खूबसूरत परिंदों की कीमत 1,20,000 से लेकर 1,70,000 तक हो सकती है, जो कि इसके साइज और क्वालिटी पर इन्हसार करती है। तो इस किस्म के पैसे के लिए आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि जो परिंदा आपको मिल रहा है वो खुश और सेहतमंद हो। तो नाजरीन, ये थी संचिक कान्योर की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।